नमस्कार दोस्तों, वारसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख्य समाचार। आज हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोरोना संकट को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि हर एक जिंदगी को बचाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने यह बातें संसद में विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक के दौरान कही। जैसा कि मेरे द्वारा कल ही शाम को आपको बताया गया था कि 30 अप्रैल या 5 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आप नोट कर लीजिए, 30 अप्रैल या 5 मई। साथ साथ मेरे द्वारा आपको यह भी बताया गया था कि दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। आज का जो आंकड़ा है 5600 प्लस हो गया है, तो आप मानकर चलिए कि कोरोना के संकट पर लगाम लगता दिख नहीं रहा है, इसलिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ना निश्चित है। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ठप्पड़ा साक्षात्कार शुरू होने की उम्मीद जगी। चयन बोर्ड के 5 सदस्यों के कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद अब लॉकडाउन खत्म होते ही माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। TGT प्रवक्ता 2016 के पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होने और लंबित परिणाम घोषित होने पर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में खाली शिक्षकों के पदों को भरा जा सकेगा। प्रदेश सरकार की ओर से चयन बोर्ड के 5 सदस्यों डॉक्टर धीरेन्द्र द्विवेदी, डॉक्टर हरिंद्र कुमार राय, डॉक्टर अजीत सिंह, डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी एवं डॉक्टर ओम प्रकाश राय का कार्यकाल बढ़ाने के बाद अब प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में खाली प्रधानाचार्य के पदों के लिए लंबी साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू होगी। चयन बोर्ड में सदस्यों के कार्यकाल बढ़ा दिए जाने के बाद अब सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, संस्कृत विद्यालयों सहित दूसरे पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में खाली 40,000 TGT और PGT के पदों को लेकर है, जिसे भरने की मांग प्रतियोगी छात्र लंबे अरसे से कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में खाली 40,000 TGT और PGT के पदों के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास अक्टूबर 2019 में ही आ गया था। इन पदों का अध्याचन मिलने के बाद चयन बोर्ड की ओर से इन पदों का सत्यापन करवाया गया। पदों का सत्यापन पूरा होने के बाद इनके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, इससे पहले ही प्रदेश में नए शिक्षा आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की प्रक्रिया चालू होने के चलते चयन बोर्ड के सामने उहापोह की स्थिति है कि खाली पदों को कैसे भरा जाए। प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जरिए माध्यमिक विद्यालयों में खाली 40,000 TGT और PGT के पदों को भरने की मांग की है। आपको बता दें कि ऐसा कभी नहीं होगा। आप मांग कर रहे हैं, आपका मांग करना जायज है, वह आपका हक है, आप मांग कर सकते हैं, लेकिन आपके मांग को पूरा करना सरकार का काम है। और सरकार चाहती है कि 40,000 जो शिक्षकों की भर्ती हो वह नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से हो, ना कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से हो। साथ ही साथ जो 5 सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया गया है उसके बारे में आपको जानकारी होगी, जैसे ही नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा स्वतः 5 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि विज्ञापन कभी भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जारी नहीं होगा, क्योंकि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अस्तित्व में नहीं रह जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अस्तित्व में नहीं रह जाएगा, जिसके कारण भर्ती लटक सकती है, क्योंकि जिस बोर्ड के माध्यम से भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उसी बोर्ड के माध्यम से भर्ती पूरी करनी होगी। इसके लिए सरकार माथापच्ची नहीं करेगी। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, अक्टूबर या नवंबर तक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाएगा, उसके बाद ही 40,000 TGT और PGT के पदों पर विज्ञापन जारी होगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए, आप मांग करते रहिए, सरकार आपकी मांग पूरी कर दे तो बहुत अच्छी बात है। चौथी खबर SSC की है। SSC में हजारों छात्र चयन से किए गए बाहर। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2018 Tier 2 की परीक्षा में एक गलती पर परीक्षार्थियों को UFM रूल के चलते पूरी चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। इन अभ्यर्थियों को Tier 2 की परीक्षा में आयोग घोषित करते हुए फेल कर दिया गया। Tier 2 की परीक्षा से बाहर हुए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने इससे पहले हुई Tier 1 की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के साथ Tier 2 में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। काफी सही तरीके से सवाल हल करने के बाद भी उन्हें UFM रूल के चलते परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया। बाहर हुए परीक्षार्थियों ने
ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री, SSC चेयरमैन सहित केंद्रीय मंत्रियों से गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि उनके इस गुहार पर कितना इफेक्ट पड़ता है, क्या वे चयन में शामिल किए जाते हैं या नहीं। पांचवी खबर परीक्षाएं और आवेदन की अंतिम तिथि को लेकर है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते कई परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और कई परीक्षाओं के आवेदन की प्रक्रिया जो चल रही थी उसके आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है। जैसे वर्तमान के हालात हैं उन्हें देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित किए जाने और आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की संभावनाएं बनती हैं, इसलिए तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं जो इस दौरान होनी थी उन्हें फिलहाल टाल दिया गया है। कुछ परीक्षाएं जिसकी आवेदन प्रक्रिया चल रही थी उसके आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। नई तारीखें भी आगे की स्थिति को देखते हुए घोषित की जाएंगी। आपको बता दें कि SEE परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जो कि 10 मई 2020 को प्रस्तावित थी। लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज ने लॉकडाउन को देखते हुए सत्र 2020-21 के प्रवेश प्रक्रिया को टाल दी है। यहां 15 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी थी। अब आवेदन प्रक्रिया कब तक शुरू होगी इसके संबंध में लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज के माध्यम से आपको समय आने पर अवगत करा दिया जाएगा। कलेट 2020 के आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 अप्रैल 2020 कर दी गई है। परीक्षा की तारीख पहले 10 मई 2020 तय की गई थी, अब परीक्षा की तारीख बढ़ाकर 24 मई 2020 कर दी गई है। छठवीं खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वीं पास कर 4 साल की पढ़ाई करें और बने अध्यापक। अगर आप 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं या 12वीं पास कर चुके हैं और टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। इस प्रवेश परीक्षा से देश के 8 संस्थानों में दाखिले का मौका मिलेगा। महत्वपूर्ण तिथियां बताई गई हैं कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 मई 2020 निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि 12 मई से 23 मई 2020 निर्धारित की गई है। CEE एग्जाम की तिथि 24 मई 2020 निर्धारित की गई है। BSc BEd, BA BEd, MSc Ed के रिजल्ट की तिथि 5 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। BEd व MEd रिजल्ट की तिथि 10 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। तो आप सभी इसके लिए आवेदन करें। पूरी डिटेल के लिए आप जो है नोटिफिकेशन का अध्ययन करें। सातवीं खबर इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज की है। आप सभी को मालूम होगा कि इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का गढ़ माना जाता है। लाखों की संख्या में प्रतियोगी छात्र कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। कोई IAS की तैयारी कर रहा है, कोई PCS की तैयारी कर रहा है, कोई SSC की तैयारी कर रहा है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा है। आज की स्थिति प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही दुख भरी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन का दौर है, प्रतियोगी छात्र कमरे में लॉक हैं, उन्हें कोई भी मदद नहीं मिल रही है। लॉकडाउन की बंदिश प्रतियोगी छात्रों पर भारी पड़ रही है। प्रयागराज के अलग अलग मोहल्लों में रह रहे अधिकतर प्रतियोगियों का राशन खत्म हो गया है, दुकानें बंद हैं, जो भी पैसा था वह भी खत्म हो गया है। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होने से सभी किराए के कमरे में कैद हैं, इससे उनके लिए 2 वक्त का भोजन प्रबंध करना मुश्किल हो गया है। प्रशासन की ओर से अभी तक प्रतियोगी छात्रों की सुध लेने के लिए कोई नहीं आया। हर मोहल्ले में कुछ प्रतियोगी छात्र व मकान मालिक आपस में बांटकर एक दूसरे के खाने का प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने पर वह सुविधा भी खत्म हो जाएगी। आखिरकार प्रदेश सरकार को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लॉकडाउन को लगाने से पहले सुविधा करना जरूरी होता है। आखिरकार लॉकडाउन लग जाने पर आज प्रतियोगी छात्रों की जो स्थिति है क्या औरों के साथ नहीं होगी? चाहे मेरा चैनल बंद हो जाए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं प्रतिदिन इस मुद्दे को उठाऊंगा। मैं कहता हूं कि सरकार को जो दान के पैसे दिए गए हैं क्या उन दान के पैसों से इन प्रतियोगी छात्रों की मदद नहीं की जानी चाहिए? शासन प्रशासन को निर्देश नहीं दिए जाने चाहिए, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी हुई है और लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है। आखिरकार ये भूखे मर जाएं? जब तक इनकी मदद नहीं होगी मैं प्रतिदिन इस मुद्दे को उठाऊंगा। अगर मेरा चैनल बंद करना हो किसी को भी तो बंद करा दे। मेरे चैनल पर व्यूज़ कम आएंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रतिदिन इस मुद्दे को उठाऊंगा जब तक इन प्रतियोगी छात्रों की मदद नहीं हो जाएगी। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए
आपकी मदद जरूर होगी। आठवीं खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के संबंध में संकेत दे दिए हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि कल रात में ही मेरे द्वारा आपको बता दिया गया था कि लॉकडाउन की अवधि 30 अप्रैल या 5 मई तक बढ़ाई जा सकती है। अभी तक इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है 30 अप्रैल या 5 मई तक। जैसे ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस बात की भनक लगी है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी 30 अप्रैल या 5 मई तक, तुरंत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक्शन में आ गया है और अचानक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे समीक्षा बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऑनलाइन के सहारे लॉकडाउन में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आयोग में बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही हैं। इन बैठकों के सहारे भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी करने पर विचार हो रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद लॉकडाउन होते ही आयोग ने सभी प्रक्रियाएँ रोक दी हैं। भर्ती परीक्षाएँ, प्रमाण पत्रों का मिलान और यहां तक कि आयोग की बैठकें भी स्थगित कर दी गई थीं। लॉकडाउन को लंबा खिंचता देख उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काम शुरू कर दिया है, जिससे इस बीच रिजल्ट जारी किया जा सके और इसके समाप्त होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। आयोग के अध्यक्ष के साथ सभी 6 सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया और उसकी प्रगति पर चर्चाएँ कर रहे हैं। इसमें भर्ती परीक्षाओं की स्थिति और उसके परिणाम के बारे में खासकर चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि अध्यक्ष ने परीक्षा नियंत्रक से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही परीक्षाएं कराने वाले एजेंसियों से बातचीत करने को भी कहा है। आपको बता दें, जो करंट की जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 भर्ती परीक्षा परिणाम तैयार कर लिए हैं। पहला परिणाम है सम्मिलित तकनीकी सहायक एवं सहायक अनुदेशक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016, जिसका परिणाम आना है। और आपको बता दूं कि 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक सम्मिलित तकनीकी सहायक एवं सहायक अनुदेशक का परिणाम जारी किया जा सकता है, जो जानकारी मिली है। दूसरा परिणाम है केंद्र सुपरवाइजर का, इसका भी परिणाम 10 मई तक जारी किया जा सकता है। तीसरा है स्टेनोग्राफर, इसका भी परिणाम 7-8 मई तक जारी किया जा सकता है। चौथा परिणाम है लोअर टू का, इसका भी परिणाम तैयार हो चुका है, लेकिन परिणाम कब आएगा इसके संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है। पांचवा परिणाम है लोअर पीसीएस 2019, इसका भी परिणाम तैयार है, कभी भी धमाका हो सकता है। तो आप सभी धैर्य बनाए रखें। आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आयोग एक्शन में आ गया है। सारी प्रक्रियाएँ 15 अप्रैल के बाद शुरू कर दी जाएगी। इस पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विचार कर रहा है।